नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पूर्वांचल के हस्तशिल्प की राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से पहचान बढ़ रही है। सोमवार को इस क्षेत्र में एक और उपलब्धि उस समय जुड़ गई जब वाराणसी परिक्षेत्र के शिल्पों के रूप में चिन्हित दो और शिल्पों को बौद्धिक संपदा का अधिकार यानी GI टैग मिल गया। बनारस का स्टोन जाली वर्क और गाजीपुर जिले की वॉल हैंगिंग को चेन्नई में GI टैग मिला। GI टैग का दर्जा मिलने के बाद अब इन दोनों शिल्प का निर्माण वाराणसी परिक्षेत्र में बाहर नहीं हो सकेगा। अगर परिक्षेत्र के बाहर निर्माण होता है तो यह गैर कानूनी माना जाएगा और निर्माताओं पर GI कानून के तहत कार्रवाई होगी। इन दो शिल्प को GI टैग मिलने के बाद अब वाराणसी देश का पहला ऐसा परिक्षेत्र बन गया है जिसके 10 शिल्पों को GI टैग मिल चुका है। करीब 20 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद स्टोन जाली वर्क और वॉल हैंगिंग को GI टैग मिला है। इस उपलब्धि पर शिल्पियों में भी खुशी की लहर है जिससे उनके काम को विश्व स्तर पर पहचान मिल सकेगी। मशीन द्वारा जो है मतलब हाथ से जो है कारीगरी की मतलब जो है ऊपर से पहले डिजाइन बना दिया जाता है, उसके बाद धीरे 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 बारीकी से जो है शुमी से जो है हाथी के अंदर हाथी जो है बनाया जाता है। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है जब उससे डस्ट निकलता है वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब सरकार उस पर थोड़ा सा ध्यान दे। PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को मिली इस उपलब्धि के साथ ही अब तक बनारस परिक्षेत्र के 10 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है, जिसमें बनारस ब्रोकरेड और साड़ी भदोही की हस्तनिर्मित कालीन, बनारस की गुलाबी मीनाकारी, मिर्जापुर की दरी, बनारस के लकड़ी के खिलौने, निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी, बनारस की मेटल रिपोजी को GI टैग मिल चुका है, गाजीपुर की वॉल हैंगिंग और बनारस की स्टोन जाली वर्क है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।